तो सत्तारूढ़ पार्टी की अगर बात करें अपर्णा दीक्षित जी, बीजेपी ने तो इसको लेकर बाकायदा तैयारियां शुरू कर दी हैं, सभी राज्यों में तैनाती प्रभारियों की हो गई है, प्रधानमंत्री खुद एससी एसटी के सांसदों से मुलाकात करके अपना रुख बता चुके हैं। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार का और सत्तारूढ़ दल का जो मत है वो भी साफ हो चुका है, और इंडिया गठबंधन की तैयारी के मद्देनजर बीजेपी खुद को कहां पाती है? देखिए, कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की जो स्थितियां हैं उसको लेके और मजबूती प्रदान की गई है, क्योंकि जो लोकसभा में परिणाम आने चाहिए थे वो कहीं ना कहीं हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं आए, तो हम और जोरों शोरों से लगे हुए हैं। हमने और मजबूती बूथ स्तर पर कर दी है, प्रभारियों को और चार चौबंद कर दिया है चुनाव को लेकर, कि अपनी जो भी योजनाएं चल रही हैं उन तक लोगों को लाभान्वित करने का प्रयास करें, और जो अफवाहें चल रही हैं, जो भ्रम फैलाने की राजनीति चल रही है, संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे एससी एसटी का, ये राजनीति जो भ्रम फैलाने की है उसको खत्म करने का कार्य करेंगे और जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। मुझे ऐसा लगता है जो आज का एक ट्रेंड बन गया है मीना जी, कहीं ना कहीं ऐसा देखने को लगातार मिल रहा है कि कोई भी एक मुद्दा सेट किया जा रहा है और वो गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है, चाहे वो कोई भी मुद्दा ले लो। लोकसभा चुनाव के बाद लगातार ऐसे मुद्दे बनाते हैं सोशल मीडिया पर, बाकायदा उनको वायरल किया जाना, तो ये ट्रेंड खत्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया आजकल काफी प्रभारी है और चुनावों में उसकी काफी अहम भूमिका रहती है। लोगों के मत भी बदलते हैं उससे, लोगों के मन भी बदलते हैं उससे। मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज पर ज्यादा फोकस करेंगे और जमीन पर जो बूथ स्तर हम हमेशा से चुनाव लड़ते हैं बूथ पर, कि हर बूथ को मजबूत होना चाहिए, तो उसी हिसाब से चुनाव लड़े। बूथ के बाद फिर हम मंडलों पर चुनाव भी लड़ते हैं, मंडलों पर अलग एक रणनीति बनाई जाती है, फिर जिलों पर बनाई जाती है, जिलों के बाद प्रदेश पर, प्रदेश के बाद फिर नेशनल राजनीति। 15 अगस्त के बाद हमारे यहाँ केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी होने वाली है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें भी कभी ऐसे कई ऐसे मुद्दे रहेंगे जिन पर फोकस रहेगा, जो ट्रेंड सेट किए जा रहे हैं उन ट्रेंड सेट को जो गलत तरीके से किए गए हैं उनको भी खत्म करने का कार्य होगा, और ये बताने में सक्षमता प्रदान की जाए हमारे संगठन द्वारा, और संगठन ही क्योंकि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका में है, क्योंकि जो आने वाला समय है वो चुनाव में संगठन ही अगर एक्टिव रहेगा तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि भ्रम जो फैलाने की राजनीति है वो कहीं ना कहीं सामने आ ही रही है कि उसको कैसे खत्म किया जाए, तो इस पर विशेष फोकस किया जाएगा। जी, तो कुल मिलाकर आपने बताया कि आपकी बैठकें 15 अगस्त के बाद और तेज होने वाली हैं, बढ़ने वाली हैं। बैठक तो हो चुकी है। जी जी जी